नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आदि पुरुष फिल्म का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। मल्टी स्टारर इस फिल्म में जो डायलॉग और वस्त्रों का निर्देशक ने उपयोग किया है उससे हिंदू संगठनों में खासा विरोध देखा जा रहा है। जबलपुर में आदि पुरुष को लेकर हिंदू संगठनों और किन्नर समुदाय के लोगों ने समदड़िया मॉल में समक्ष जाकर विरोध किया और फिल्म के कलाकारों का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि फिल्म में जिस प्रकार से माता सीता को जिन वस्त्रों में दिखाया गया है उससे हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। इसके अलावा फिल्म में जिस प्रकार के संवाद रखे गए वो बहुत ही फूहड़ और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग की है। आज हम लोग सब लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं आज आदि पुरुष फिल्म का बैन करने के लिए, बंद करने के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारे रामायण का अपमान हुआ है वो हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। माता सीता के वस्त्रों से लेकर और इस फिल्म के डायलॉग तक के अगर उनको सुने तो ये कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि ये हमारी रामायण है और रामायण के अनुसार ये फिल्म बनी हुई है। ये पूरी तरह से हमारे धर्म का मजाक बनाया गया है और इसमें हमारे भगवान इष्ट प्रभु श्री राम का जो अपमान इन्होंने किया है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरी तरह सरकार से ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी बंद करें, अन्यथा हमारा जितना भी हिंदू समाज है इसका और पुरजोर विरोध करेगा। आरती शुक्ला। जिसमें हमारे रामचरितमानस के दृश्यों को उल्टा पुल्टा दिखाया गया है, हमारे सनातन धर्म का अपमान किया गया है। हम इस विरोध में आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को पूरे राज्य से, पूरे देश से बैन किया जाए, कहीं पर भी ये फिल्म ना चले। हमारे हिंदू देवी देवता प्रभु श्रीराम, प्रभु श्री कृष्ण भक्ति के लिए हैं, ना कि किसी मनोरंजन के लिए हैं। इसलिए कोई भी निर्माता इस तरह की कोई भी हमारे देवी देवताओं की कोई फिल्म ना बनाए, यह हम आज बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये सभी हिंदू संगठन आज यहाँ पर इस बात के लिए प्रदर्शन करने आए हैं, आदि पुरुष को अभी से बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए। विकास शुक्ला अपने यहाँ पे, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो रामचरितमानस रामायण के ऊपर वो फिल्म बनाई गई है और बहुत ही गलत तरीके से उसको पेश किया गया। कलाकारों के ड्रेसेस वगैरह और उनके जो डायलॉग्स हैं बहुत ही भद्दे हैं। हनुमान जी का चरित्र को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। सीता माता के जो वस्त्र पहने गए हैं वो भी बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है और भारतीय संस्कृति को बिल्कुल धूमिल करने का काम किया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं ये तुरंत से तुरंत इस मूवी को बैन किया जाए तत्काल, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं, रामायण में ऐसा कुछ दिखाई चरित्र दिखाई नहीं गए हैं जिसमें बोला जाए कुछ भी डायलॉग्स भी हैं सब। हाँ, हम लोग बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो रामायण में दिखाया गया था। तो हम कैटरीना जबलपुर से। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।